आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फेयरनेस पैक, पैक जो आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं उनको तो दूर करेगा ही, साथ ही आपके स्किन का जो कलर है उसको भी बहुत ज़्यादा फेयर और लाइट बनाएगा। तो चलिए बनाते हैं फेयरनेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए फेस वॉश पाउडर, जो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इस फेस वॉश पाउडर कैसे बनाया जाता है। फेस वॉश पाउडर हमें लेना है 1 छोटी चम्मच। अब इसमें 2 चुटकी कस्तूरी हल्दी मिला दीजिए। आधा चम्मच काउलिन क्ले, इसमें काउलिन क्ले का बहुत ही अच्छा रोल है क्योंकि फेयरनेस के लिए काउलिन क्ले बहुत ही बेस्ट है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 2 छोटी चम्मच दही मिलाइए। अब इसमें 2 छोटी चम्मच टमाटो का पल्प मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका पैक बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें दही या नींबू का रस डाल लीजिए। इस पैक को लगाने से पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। आपको ये मसाज जेंटली मसाज करते हुए अप्लाई करना है। ये फेस पैक आपके स्पॉट्स को तो लाइट करेगा ही, अगर आप इसे लगातार 15 दिन तक यूज़ करते हैं तो ये आपके स्पॉट्स को बिल्कुल ही हटा देगा और टैनिंग को भी हटाएगा और साथ ही ये फेयरनेस भी लेकर आएगा। इस पैक को लगाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये 80% सूख जाए तब इसे थोड़ा सा हाथ से गीला करिए और गीला करने के बाद इसे जेंटली मसाज करते हुए आपको छुड़ाना है। मसाज एटलीस्ट आपको 3 से 4 मिनट तक करनी है। जब भी आप फेस पैक लगाते हैं, पैक चाहे वो आप हाथ पे लगाएं, पैरों पे लगाएं या फिर फेस पे लगाएं, तो उसे 80% ही ड्राई करिए, पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिए। फिर उसे गीला करके उस पर जेंटली मसाज करिए। गीला करके मसाज करने से क्या होता है, जो पैक होता है वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसका असर बहुत अच्छा दिखता है, वो हमारे स्किन को स्मूथ करता है। जब जेंटली मसाज कर लीजिए तब उसके बाद में इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ये देखिए, मैंने अपना हैंड जो है वॉश कर लिया है।
मुझे नहीं पता कि आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। जब एक बार के यूज़ से ही इतना डिफरेंस आया, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और कलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है। तो आप सोचिए, अगर आप इसे कंटिन्यू 15 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन कितनी स्मूथ, फेयर और स्पॉटलेस हो जाएगी। इस पैक को आप फेयरनेस और स्पॉटलेस पैक के साथ साथ एक मिरेकल पैक भी बोल सकते हैं। आप इसे यदि कंटिन्यू 15 दिन तक यूज़ करेंगे तो ये एक तरह से आपकी स्किन पे मिरेकल की तरह काम करेगा, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। आपकी स्किन को ये फेयर बनाएगा, स्पॉटलेस, ग्लोइंग, और आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाएगा। आप इसे पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।